Ladakh Daily News Update, Voice of Every People. लद्दाख सर्दियों के 6 महीने पूरी दुनिया भर से कट जाता है और इस बीच यहाँ की जो 6 महीने की जिंदगी है वो काफी मुश्किलों भरी रहती है और लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है गुजारने के लिए। लद्दाख में इस वक्त -18 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है और वहीं अगर हम द्रास की बात करें तो -25 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है। और अगर हम दरियाओं की बात करें, दरिया तरह से जम चुका है, दरिया नदी नाले पूरी तरह से जम चुके हैं और नल भी पूरी तरह से यहाँ पे जमे हुए नजर आ रहे हैं। सर्दी के बारे में तो सर्दी तो आज कल अयाम में जो है बहुत सख्त सर्दी चल रही है। यहाँ का पानी नलकों में देखेंगे तो नलके तो सारे बंद पड़े हैं, पानी जो है एकदम जमा हुआ है। जगह जगह सर्दी का जो है कहर बरपा है, तो यहाँ सब्जी मंडी में हम जाएंगे तो वहाँ जो थोड़ी बहुत बची है वो भी आपको एकदम जमी हुई नज़र आएगी। तो सर्दी का बहुत सख्त हाल है। एक तो नंबर एक परेशानी यहाँ सबसे यही है कि बिजली की जो है बिल्कुल नाकामी है। यहाँ बिजली हर 2 घंटे के बाद जो है चली जाती है, फिर इंसान को बड़ा परेशानी है। तो हर चीज़ का जो है यहाँ बहुत परेशानी है। ऊपर से देखेंगे हमारी यहाँ फ्लाइट की बात करेंगे तो फ्लाइट तो चली नहीं है। पहले हमें उम्मीद किया दिया गया था कि उड़ान स्कीम के तहत जो है यहाँ फ्लाइट चलेगी, तो अब तो वो भी शायद लगभग नामुमकिन हो जैसी नज़र आ रही है। तो सर्दी के बारे में तो बहुत सख्त सर्दी है इस वक्त, लोगों का आना जाना जो है गाड़ियों में दुश्वार बहुत है, ऑफिसों में देखेंगे हर जगह देखेंगे कि तो बहुत परेशानी परेशानी सर्दी। तो आपको क्या लगता है कि अगर हमारी जैसे सरकार की अगर हम बात करें, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, क्या वो कभी तवज्जो नहीं देती कारगिल की तरफ की कि कारगिल में भी कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं जो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, उन्हें भी किसी चीज़ की ज़रूरत है? भैया इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे हमारे यहाँ की दुश्वारी जो रही है हमारे परसों सालों से, तो हमारे ये जोरदार टनल जो है इसमें अब तो हमें बहुत उम्मीद थी और हम बहुत पुनम खुश भी थे कि ये जोरदार का काम जो स्टार्ट शुरू हो चुका है तो आइंदा कुछ सालों में जो है पूरा हो जाएगा। और बदकस्मती हमारे गांव इस इलाके के लोगों की भी है, तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी मतलब कुछ ख़ास तवज्जो यहाँ के लोगों के साथ नहीं है, क्योंकि ये एकदम बॉर्डर पे रहते हैं, रहने वाले लोग हैं यहाँ पे। तो सबसे बहुत ज़रूरी तो जो है हमारा ये जोजला टनल होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जो है लगभग 8 महीने जो है हम लोग बाकी दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ कुछ भी फैसिलिटी का, बाकी राशन की बात करेंगे, हर चीज़ की जो है बड़ी दुश्वारी है। तो जोजला टनल तो जो है यहाँ के आवाम की जो है सबसे बहुत पुरानी मांग है। ये तो हमें उम्मीद भी है इंशाल्लाह इस बार जो है आने वाले दिनों में जो है पूरा हो जाएगा। हम यही उम्मीद रखे हुए हैं कि जोजला के बारे में, तो इंशाल्लाह जोजला जो है होना भी चाहिए। यहाँ के लोगों की बिल्कुल एकदम सबसे ज़्यादा तवज्जो और सबसे ज़्यादा कोशिश लोगों की, हमारे नेता लोगों की भी टनल में है, तो आइंदा इंशाल्लाह उम्मीद है इसमें काम शुरू होना चाहिए जल्द से जल्द। जाकिर भाई, अगर हम देखें सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, चिल्ले कलान का आगाज़ भी हो चुका है, काफ़ी सर्दी है इस बीच यहाँ पे, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आम पब्लिक को इस बीच? जी, अभी आपने कहा कि चिल्ले कलान शुरू हो चुका है, जिसको कश्मीर में चिल्ले कलान कहते हैं, हमारे लद्दाखी जबान में उसको लोसर कहते हैं। लोसर का महीना शुरू हो चुका है जो अभी 21 जून तक रहेगा, तो अभी काफ़ी सर्दी आ चुका है। और कहा जाता है कि स्टेट में, इवन ओवरऑल स्टेट में, बाकी स्टेट इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी बहुत सर्दी आया है। माइनस अभी आप देखिए कि -17 से भी नीचे जा चुका है टेम्परेचर, तो इसमें लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। खासकर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो इशू है, क्राइसिस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और उसके अलावा पानी का भी इशू है। लोगों को पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर नाले जम चुके हैं, लोगों को घर घर में पानी नहीं पहुँच रहे, और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पिछले बहुत सारे साल से यहाँ से माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। कारगिल से, इवन होल लद्दाख से माइग्रेट होते लोग या जम्मू या दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती, जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है। आपको पता है कि पूरा लद्दाख 6 महीना कट ऑफ रहते हैं, पूरा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 6 महीना,
ड्यू टू नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से, तो उसके बाद हमारा एक ही वो ट्रांसपोर्टेशन का एक ही वो माध्यम था वो हमारा जो एयर सर्विस है। लेकिन अभी मौसम की वजह से, दो तीन दिन मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ पे जो इन 32 कॉरियर सर्विस होता था वो भी बंद हो चुका है। तो इस तरह से बहुत सारे इशू थे लोगों को। अभी आप देखिए, अभी तो फिलहाल ही इतना शॉर्टेज नहीं, लेकिन अब नियर बाय अगर आप एक महीने के बाद देखेंगे तो फिर मार्च में लोगों को यहाँ पे मेन मार्केट में सामान की भी शॉर्टेज रहती है, क्योंकि सामान जितने भी स्टॉक किए हुए वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से लोगों को बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। ये अपील करना चाहता हूँ, लद्दाख खाली ये योजना खाली लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख नहीं है, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, स्पेशली हमारे इंडियन आर्मीज के लिए, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा रीजन है जो दोनों साइड से, एक साइड से चाइना और एक साइड से पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली और जो लद्दाखियों का जो लाइफ लाइन है प्लस स्ट्रेटेजिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा इसको वो सीरियसली ले और इसका काम जल्दी शुरू करें ताकि ये सारे इशू सॉल्व हो जाए। पहले एक वक्त था तब लोगों के पास अपने हिसाब से यहाँ पे जो है सर्दी से बचने का एक तरीका हुआ करता था, लोग गोबर सुखाते थे, लकड़ियाँ जमा करते थे। आज 21वीं सदी में गैस सिलेंडर के जरिए बुखारी का है, ठीक है, मगर आज के डेट में लोगों के पास इतनी औकात नहीं है कि पहले दौर में शुरू में जब गैस सिलेंडर आया था तो 450 में लोग खरीद फरोख करते थे। आज 1100-1200 रुपया दे के लोगों के पास इतनी इनकम तो है नहीं कि वो सिलेंडर से जो है ना अपने बच्चों को, अपने परिवार को जो गर्मी मुहैया कराए। अब आप देखिए आज के डेट में कुदरती आफत कहेंगे, खुदा का कहर जिसको कहते हैं हम, एक ज़माना ऐसा था यहाँ पे 6-7 फुट पहाड़ों में बर्फबारी होती थी। आज ग्लोबल वार्मिंग के नाम से एक साइंस वालों ने भी कहा है, लोग भी मानते हैं कि खुदा का कहर, ना यहाँ बर्फ़ देखने को उतनी मिल रही है, खाली खुश्की की वजह से कड़ाके की सर्दी झेलना जो है ना लोगों को पड़ रहा है। Lad Daft Daily News Update. Devices available.